स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी समर्स आने वाले हैं, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पर अब ठंड है यहाँ पर, तो अभी फरवरी का मंथ है, तो अभी सही टाइम है समर्स के जो फ्लावर सीड्स होते हैं उनको ग्रो करने का। तो जैसे कि जनवरी में तो यहाँ बहुत ठंड होती है दिल्ली में, तो अभी फरवरी का मंथ है, तो अभी मैं कुछ सीड्स हैं जो जिन्हें मैं ग्रो करने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ सीडलिंग्स ट्रे अमेजोन से ऑर्डर की थी, और ये 5 ट्रे हैं जो मैंने अमेजोन से मंगाई हैं। तो अब हम इनमें अपने सीड्स, फ्रेंड्स ये मैंने अमेजोन से सीड स्टार्टर जो मिक्स होता है वो मैंने मंगवाया था, तो इसमें हम सीड को अपना ग्रो करेंगे। आप वैसे सॉइल में कुछ वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मिलाकर भी आप डायरेक्ट सीड्स ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम सनफ्लावर की जेरूसलम गोल्ड हाइब्रिड एक वैरायटी होती है उसके सीड ग्रो करेंगे, और दूसरे हम सनफ्लावर की एक अदर वैरायटी है मैमथ, उसके भी सीड हम आज ग्रो करेंगे। और कुछ ये सीड्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर जो मैंने सनफ्लावर सीड से जो ग्रो किए थे उनके फ्लावर से मैंने ये सीड्स को कलेक्ट किया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीडलिंग ट्रे के सभी पोर्ट्स को सीड स्टार्टर मिक्स से फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम किसी स्टिक या किसी पैन की हेल्प से 1/2 इंच से थोड़ा कम गहराई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें कितनी गहराई पे अपने शीट को शो करना है ये उस सीड की जो साइज़ होता है उस पे डिपेंड करता है। सनफ्लावर के जो सीड होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए हम उन्हें 1/2 इंच से थोड़े से कम गहराई पर हम उनको बोएंगे। फ्रेंड्स, इस ट्रे में 7 रोज हैं पोर्ट्स की, तो एक रो में मैं सबसे पहले ये सनफ्लावर मैमथ जो वैरायटी है इसके सीड्स मैं शो करूँगी। इसके बाद सभी सीड्स को अच्छे से ढक देंगे और फिंगर से प्रेस कर देंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, अब मैंने ये स्टिक पे इसका नाम लिख दिया है और मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगी ताकि पहचान रहे कि इस वाली रो में इस वाले फ्लावर्स के बीज हमने बोए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं जेरूसलम जो सनफ्लावर की अदर वैरायटी है उसके सीड्स मैं शो कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं एक स्टिक पे उस सनफ्लावर जेरूसलम जो गोल्ड हाइब्रिड वैरायटी है उसका नाम लिख के मैं इस स्टिक को यहाँ लगा दूंगी। और फ्रेंड्स, ये अब मैं जो ग्रो करने जा रही हूँ ये सेल्फ कलेक्टेड मेरे सीड्स हैं, सनफ्लावर के ही हैं ये भी, इनका भी मैं सेल्फ करके जो अलग पहचान रहे तो इसलिए मैं इनकी भी स्टिक लगा दी है। इनको मैंने 2 रोज में लगाया है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं ये मॉर्निंग ग्लोरी ब्लू कलर की जो फ्लावर्स होते हैं उसकी जो एक पेल होती है ये वाले सीड्स मैं इसमें ग्रो करूँगी। मैं पर पोट में 2 सीड्स ग्रो करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये जो सीड्स हैं ये मैंने सेल्फ कलेक्टेड हैं ये सीड्स, मैंने बेल से जब वो उसमें वो बीज बन गए थे तो मैंने वहाँ से वो पिक किए हैं। अब देखती हूँ कि इनका रिज़ल्ट कैसा रहता है। और ये मॉर्निंग ग्लोरी जो बेल होती है इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये दिन में खिलते हैं जब तक धूप रहती है, फिर शाम होती है तो वो सब मुरझा जाते हैं और काफ़ी सारे फ्लावर्स देती है ये जो मॉर्निंग ग्लोरी की जो बेल है, काफ़ी फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक स्टिक पे मॉर्निंग ग्लोरी नाम लिख के लगा दिया है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम अच्छे से वाटरिंग कर देंगे इनमें। और फ्रेंड्स, अभी विंटर्स का टाइम है तो मैं इनको भी न्यूज़पेपर से मैं इनको कवर करके किसी लाइट वाली जगह पे रख दूंगी। फ्रेंड्स, शीट को जर्मिनेट होने में हीट एंड लाइट का मेन रोल होता है। फ्रेंड्स, ये 6 दिन बाद का रिज़ल्ट है। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो पिजन है कबूतर उनका बहुत ज़्यादा अटैक है यहाँ पर,
काफ़ी रहते हैं वो, और सीड्स जब मैंने ये ग्रो किए थे तो इनमें से वो लगभग सारे सीड्स निकाल कर ले गए थे। फ्रेंड्स मैंने उसी दिन फिर शाम को दोबारा से सारे सीड्स लगाए, और मैंने इस मॉर्निंग ग्लोरी के भी मैंने फिर दो दो सीड्स ग्रो कर दिए थे, मतलब लगा दिए थे ये। और देखिए दोनों दो दो सीड्स मैंने लगाए थे, ये मॉर्निंग ग्लोरी मेरे सेल्फ कलेक्टेड सीड्स हैं, और देखिए सभी अच्छे से हो गए हैं। दो दो जिसमें लगाए थे दो दो आ गए हैं, कुछ हैं जो अभी आने बाकी हैं जो लग रहा है कि आएंगे। और ये देखिए जो मेरे सेल्फ कलेक्टेड जो मेरे ये सनफ्लावर्स के सीड्स थे, ये भी देखिए मैंने दो दो लगा दिए थे बाद में, तो ये भी सभी देखिए दो दो ही हो गए हैं। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है, ये देखिए सब दो दो निकल गए हैं। इसमें ये अभी एक निकल गया है, बट एक अभी आना बाकी है, ये अंदर से भी निकलने वाला है, एक दिन बाद निकल जाएगा शायद। और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है। और फ्रेंड्स अब हम थोड़ी इनमें वाटरिंग करेंगे, क्योंकि जो ऊपर की सॉइल है वो थोड़ी सी ड्राई हो गई है। और फ्रेंड्स अब हम इनको न्यूज़पेपर से कवर नहीं करेंगे, और ना ही हम इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। अभी ये सन के हिसाब से अभी थोड़े छोटे हैं, तो अभी हम इनको लाइट वाले एरिया में ही रखेंगे। फ्रेंड्स पिजन्स से अपने प्लांट्स को बचाने के लिए मैंने इस तरीके से उनको कवर कर दिया है। ये काफ़ी हल्का कपड़ा है और इसमें सनलाइट भी जाएगी और हवा भी जाती रहेगी। और फ्रेंड्स ये आफ्टर 9 डेज़ का रिज़ल्ट है, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। देखिए मॉर्निंग ग्लोरी की जो ये लीव्स हैं ये भी कितनी सुंदर लग रही हैं, और प्लांट्स लगभग 3 to 4 inch लंबे हो गए हैं। फ्रेंड्स अब हम इनको डायरेक्ट सन में रख सकते हैं, और ये सनफ्लावर्स के भी काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट रहा है। और ये देखिए इसमें ट्रू लीप्स भी छोटी छोटी सी दो आने लगी हैं, सभी प्लांट्स में ट्रू लीप्स भी आने लगी हैं। और फ्रेंड्स ये मेरा मैंने इसको कवर किया था क्योंकि यहाँ पे कबूतरों का बहुत अटैक है, बट उसके बाद भी थोड़ा सा खुला रह गया तो मेरे काफ़ी प्लांट्स को वो ख़राब कर गए। और फ्रेंड्स मैं कुछ दिन आउट ऑफ दिल्ली थी तो मैं पानी नहीं दे पाई प्लांट्स में, और मेरे प्लांट्स अभी देखिए सब कैसी कंडीशन हो गई है इनकी। बट मैंने अभी इनको ही वाटरिंग की है, और आई होप ये कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएंगे। ये देखिए बिना पानी के सब कैसे मुरझा के ये नीचे गिर गए हैं, और मुझे इन्हें देखकर काफ़ी टेंशन हो गई थी। और फ्रेंड्स ये आफ्टर 16 डेज़ का रिज़ल्ट है, और देखिए मेरे कल प्लांट्स कितने मुरझा गए थे, और अभी देखिए मैंने वाटरिंग की और सभी एकदम से बढ़िया हो गए हैं, सभी सीधे खड़े भी हो गए हैं और फिर से हरे भरे हो गए हैं। और मुझे तो टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ये ठीक होंगे या नहीं, बट वाटरिंग करने के बाद सब ठीक हो गए। और ये देखिए इनकी ट्रू लीप्स भी अब बड़ी होने लगी हैं, सभी प्लांट्स पे ट्रू लीप्स आ गई हैं, और दो छोटी छोटी फिर और भी ट्रू लीप्स आ रही हैं। और फ्रेंड्स इधर मॉर्निंग ग्लोरी की भी ट्रू लीप्स आने लगी हैं। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है दोनों का ही, मॉर्निंग ग्लोरी एंड सनफ्लावर का। फ्रेंड्स आगे की अपडेट मैं देती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।